साहबजादा राशिद शमीम साहब खाजा साईं अजमत साहब ने गल की है तो मैं तुहाडे हुकम दी तामील दा भी बड़ा मौका मैनू नकब लाण दा मौका मिल गया नकीब जो हां बहरल ए अदब दी नकब है वो दूजी चोरी नहीं जिहड़ी बाकी लोग करदे ने इन्होंने सदा लाण दी गल की लेकिन कदी कदी बंदा इन्नियां आवाजा मारदा है कि उहदा गला भी बह जांदा आवाजा मार मार के सुनी नहीं जांदी अजमत साहब साहबजादा राशिद शमीम साहब आपके वालदे ग्रामी का बहुत ही पसंदीदा आपका हुक्म होया ख्वाजा साईं तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया इतनी आवाजें तुझे दी के गला बैठ गया हाँ तुसी हुण ते मुस्कुराते पे हो मेरे नाल टुरो फिर तुहानूं मैं काम दी गल दसा कोई मोती झोली पावां तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया इतनी आवाजें तुझे दी कि गला बैठ गया और ख्वाजा साईं साहबजादा साहब यूं नहीं है कि फकत मैं ही उसे चाहता हूँ यूं नहीं है कि फकत मैं ही उसे चाहता हूँ जो भी उस पेड़ की छांव में गया बैठ गया हाँ हजरत अलाउद्दीन साबिर साहब का जिक्र आया हजरत सिराज का जिक्र आया हजरत कमर का जिक्र आया यूं नहीं है कि फकत मैं ही उसे चाहता हूँ जो भी उस पेड़ की छाओ में गया बैठ गया कदी कदी शेख जिहड़ा ना जी गुलाम मुइनुद्दीन साहब दबका भी मारता है गुस्से का इजहार भी करता है लेकिन उदो मौका की बनता है इतना मीठा था वो गुस्से भरा लहजा मत पूछ तुसी तवज्जो करना जिन तक मिसरा पहुंचे इतना मीठा था वो गुस्से भरा लहजा मत पूछ उसने जिस जिस को भी जाने का कहा बैठ गया अल्लाहु अकबर उसने जिस जिस को भी जाने का कहा बैठ गया आखिरी तो पहला शेर हुजूर साढ़े हम बढ़िया लड़ाइयां कदी पोस्टर थे कदी फ्लैक्स थे कदी कुर्सी थे कदी सोफे थे कदी नशीस थे के पीछे होन थे उसकी मर्जी है अजमत साहब उसकी मर्जी है जिसे पास बिठा ले अपने उसकी मर्जी है इसकी मर्जी है जिसे पास बुला ले अपने पास बिठा ले अपने इस पे क्या लड़ना के फुला मेरी जगह बैठ गया अब इस पे क्या लड़ना फुला मेरी जगह बैठ गया हुजूर आसरे कलाम शेर गल मुक गई बज़्मे जाना में नशिस्ते नहीं होती मखसूस ये सारे मंगते सुनो हजरत सिराज हजरत कमर दे और हजरत साबर पाक दे बज़्मे जाना में नशिस्ते नहीं होती मखसूस जो भी एक बार जहां बैठ गया बैठ गया।